हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर को लगा सकते हो। गाइस, अगर आप अपनी वीडियो में किसी छोटी सी मतलब कि किसी दूसरे की वीडियो क्लिप को यूज़ करते हो या फिर किसी इमेज को यहाँ पर यूज़ करते हो, तो आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर को लगाना यहाँ पर जो अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर डिस्क्लेमर को नहीं लगाओगे तो यहाँ पर आपको कॉपीराइट आने के और कॉपीराइट क्लेम आने के यहाँ पर चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर को लगा देते हो तो वहाँ पर बहुत कम चांस हो जाते हैं कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम आए। इस डिस्क्लेमर का मतलब गाइस यहां पर ये होता है कि आपने जो भी वीडियो बनाई है वो जो है एजुकेशन पर्पस से यहां पे वीडियो बनाई है और इसका मकसद केवल लोगों को नॉलेज देना है। अगर आप इस डिस्क्लेमर का यूज अपनी वीडियो में कर लेते हो तो आपके बहुत कम चांस यहां पर हो जाते हैं कि आपको कोई स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम आता है। तो गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लेना है और इस तरह से आपको गूगल को यहां पर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है YouTube डिस्क्लेमर। तो यहाँ से मैं YouTube डिस्क्लेमर सर्च कर लेता हूँ। तो गाइस, आपको यहाँ पे YouTube डिस्क्लेमर करके यहाँ पे सर्च कर लेना है और यहाँ पे आपको एक साइट मिल जाएगी support.google.com, इस तरह से आपके साइट मिल जाएगी। आपको सिंपल सा इस पर यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्क्लेमर है यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस, ये टैग्स है यही यहाँ पे डिस्क्लेमर है जिसको आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डालना है। तो सिंपल सा आपको इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो गाइस, मैं यहाँ से चलिए इनको कॉपी कर लेता हूँ। ये जो टैग्स है आपको भी यहाँ से जो है इन सारे टैग्स को यहाँ से यहाँ तक यूज़ तक आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने YouTube स्टूडियो में यहाँ पे आ जाना है। आपको अपने YouTube स्टूडियो को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जिस भी वीडियो में आप जो है डिस्क्लेमर डालना चाहते हो उस वीडियो को यहाँ से ओपन कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इस वीडियो को। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से जहाँ भी आप जो डिस्क्लेमर डालना चाहते हो वहाँ से पहले आप इस तरह से गैप बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर गैप बना लेता हूँ पहले। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर टाइप कर लेना है। तो मैं ऐसे डिस्क्लेमर टाइप कर लेता हूँ। तो गाइस, डिस्क्लेमर टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्क्लेमर में आप अगर कुछ यहाँ पे गैप देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे उसमें कुछ गैप यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बीच में यहाँ पे कर लेता हूँ। गाइस, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे जो आपने टैक्स यहाँ पे कॉपी किए हैं उन सभी को यहाँ पर आप जो है पेस्ट कर दीजिए। जो भी आपने टैग्स वहाँ पे कॉपी किए थे डिस्क्लेमर के, आप उनको यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इन सारे टैग्स को यहाँ पे कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और गाइस, अगर जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते तो आप जो होल्ड प्रेस यहाँ पे इस तरह रखना और यहाँ पर एक पेस्ट वाला आइकन आ जाता है, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना, फिर आपके जो टैग्स यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ से अपने गूगल इसमें से जो कीबोर्ड है मैंने इसमें से पेस्ट किए हैं। तो आपको जो है मैंने बता दिया, अगर आपके इस तरह से नहीं आते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसे इस तरह से यहाँ पर बैक करना है और यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना। तो जो भी आपका डिस्क्लेमर है वो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ से मैं आपको YouTube में भी जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे YouTube में। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ और मैं आपको आपको दिखा देता हूँ कि इसमें डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिस्क्लेमर लगा है या फिर नहीं लगा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर यहाँ पे लिखा था और ये यहाँ पर सारे टैग्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिस्क्लेमर लग चुका है। तो गाइस, आप भी इस तरह से अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर लगा सकते हो। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।